हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री। वेलकम टू कुक विद शगुन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बॉल। तो ये चीज़ बॉल जो बच्चों और बड़ों को सबको पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जब भी मैं रेसिपी अपलोड करूँगी मेरी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे 3 साइज़ के मीडियम साइज़ के पोटैटोस लिए और उसके छिलके निकाल दिए हैं, और इसको मैं 2 भागों में कट कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको बॉइल कर लूँगी पोटैटोस को। पोटैटोस बॉईल हो रहे हैं तब तक हम एक स्लरी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब पानी। हमें यह स्लरी बनानी है, बहुत पतली भी नहीं बनानी है और बहुत गाढ़ी भी नहीं बनानी, हमें उसको मीडियम थिक बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पानी ऐड करके एक बैटर तैयार कीजिए। अब हम इस बैटर को साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल का जो मोज़रेला चीज़ आता है, पिज़्ज़ा चीज़, वो लिया है। अब मैं उसको छोटे छोटे साइज के हिसाब से कट कर लूँगी पीसेस में, स्मॉल साइज पीसेस में। इसको बहुत बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमें इसको बॉल के अंदर फिल करना है। यहाँ पे मैंने 2 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं। आप ब्रेड को सेक लीजिए तवे पे और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, और जो हमारे पोटैटोस बॉईल हो चुके थे मैं उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा कि पोटैटो एकदम फाइन ग्रेट हो जाएंगे। और इसमें हाँ, मैंने डाला है 1 टीस्पून पिज़्ज़ा मिक्स डाला है, प्लस 1 टीस्पून ऑरेगानो डाला है, और यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे डाला है सॉल्ट, और 1/2 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ मैंने डाला है। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसको एक डो की तरह हम तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसको बॉल बनाते हैं इसके। तो हम स्पून की मदद से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं और इसको एक छोटा सा बॉल बना देंगे, और इसको बीच में से हम प्रेस करेंगे बॉल को। थोड़ी से हम जगह बनाएंगे, बिकॉज हमें इसमें जो चीज़ हमने कट किया था उसके क्यूब हमें रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोज़रेला चीज़ क्यूब रखा है, और उसके जो साइड से वो हम उसको सील कर देंगे, और उसको फिर से हम एक बॉल बना देंगे। हमारा ये बॉल एक तैयार है। इसी तरह से हम सारे चीज़ बॉल बना देंगे।
हमारे सारी चीज़ बॉल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिप करेंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर स्लरी तैयार की थी इसमें। तो हम एक बॉल लेंगे, उसको कॉर्नफ्लोर स्लरी में डिप करेंगे, उसको पूरा कोट करेंगे बॉल को अच्छी तरह से। उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स लिए है वो उस बॉल को कवर कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो चीज़ बॉल है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और हम इसको एक बार नहीं कोट करेंगे, हम उसको अगेन यही सेम प्रोसेस करेंगे। फिर से हम इसको स्लरी में डिप करेंगे और अगेन हम इसको ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो कॉर्नफ्लोर की जो लेयर होगी हमारी जो कॉर्नफ्लोर स्लरी हमने उस पर लगाई है, उसके बाद हमने जो ब्रेड क्रम्ब लगाए, इससे हमारे जो चीज़ बॉल है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी और क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बनेंगे। तो हम इसी तरह से सब बॉल को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने को रखा है, इसको मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। जब भी आप चीज़ बॉल को डीप फ्राई करें तब गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए। उसके थोड़े देर बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और जब भी चीज़ बॉल को हम फ्राई करेंगे तब हम उसको टच नहीं करेंगे, उसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा चीज़ बॉल है जो ऊपर से क्रिस्प हो गया है और गोल्डन ब्राउन रंग भी उसका आ गया है। तो हम इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, उसके बाद हम उसको प्लेट में निकाल देंगे। हमारा ये चीज़ बॉल है वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो उसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरे जो चीज़ बॉल है हम उसको डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो चीज़ बॉल है वो फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको स्टार्टर में या स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप या मायोनीज के साथ, और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं बिकॉज़ बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद होता है, तो ये ज़रूर उनको पसंद आएंगे। तो आप प्लीज़ एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपके चीज़ बॉल कैसे बने थे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।